बसपा ने यहां पर 5 प्रत्याशियों को उतारा है। सभी 5 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। टीरी गढ़वाल से नीमचंद्र छुरियाल को मैदान में उतारा गया है। पौड़ी गढ़वाल से धीर सिंह बिष्ट को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। अल्मोड़ा से नारायण राम बसपा प्रत्याशी बनाए गए हैं और नैनीताल से अख्तर अली महागीर को टिकट दिया गया है और हरिद्वार से जमील अहमद बसपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखंड के भी 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं। रामानुज हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। रामानुज, बसपा ने भी अब 5 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, किसको नुकसान होने वाला है, किसको फायदा होगा? आप देखिए, सबसे पहले तो कुंदन आपको ये बता दें कि अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या अलायंस के साथ कोई काम करेगी या नहीं, लेकिन बसपा ने जिस तरह से 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं तो ऐसे में फायदे और नुकसान राजनीतिक तौर पर अगर देखते हैं, चूंकि बसपा के जो विधायक हैं वो हरिद्वार क्षेत्र में है तो ऐसे में अगर बसपा पूरी मजबूती के साथ में लड़ती है तो इससे कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है। एक दूसरा, अगर नैनीताल और इसी तरह से अल्मोड़ा पौड़ी और टिहरी लोकसभा क्षेत्र के नजरिए से देखते हैं तो इन क्षेत्रों में बसपा का बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ विधानसभा वाले ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बसपा अच्छी फाइट कर सकती है। तो आने वाले दिनों में इससे विपक्ष के जो दूसरे दल हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी या क्षेत्रीय दलों, उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन बसपा कितनी मजबूती के साथ में लड़ेगी ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। जी बिल्कुल, 5 प्रत्याशियों को उतार दिया में बसपा ने सभी 5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए, लेकिन बड़ा सवाल यही रामानुज जो कह रहे हैं कि कितने मजबूती के साथ बसपा के प्रत्याशी यहां पर चुनाव लड़ते हैं, यह देखना बेहद जरूरी है, बेहद दिलचस्प है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, विपक्ष को नुकसान हो सकता है। शुक्रिया रामानुज इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।